आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ-9 रीपर ड्रोन्स के बारे में। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत MQ-9 रीपर ड्रोन की एक डील कर सकता है, जिसमें इंडिया की तीनों सर्विसेज को 10-10 ड्रोन मिलने वाले हैं। लेकिन इस डील में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इसके चांसेस कम होते चले जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इनिशियल 30 के नंबर को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया है, यानी कि अब तीनों सेनाएं 10 की जगह 6-6 ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल करेंगी। और अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये चीज इंडिकेट करता है कि भारतीय सेनाएं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म ड्रोन्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है और उनका फोकस लॉयटरिंग म्यूनेशन है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से टर्किश ओरिजिन के अकिंजी ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये चीज हम सब जानते हैं कि रीपर और अकिंजी काफी हद तक एक ही कैटेगरी के ड्रोन्स हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस की जो अप्रोच है वो काफी डिफरेंट है। जहां पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस इन ड्रोन्स को अपने बेड़े में काफी तेजी से शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं इंडियन आर्म फोर्सेस इन ड्रोन्स के नंबर को रिड्यूस कर रही हैं। देखिए, अगर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की बात की जाए तो इनको पॉपुलैरिटी मिली थी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुए युद्ध के दौरान। ये चीज आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगी कि नगोर्नो कारबाख कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आर्मेनियन रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहले हारूट ड्रोन्स की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और उसके बाद टर्किश TB2 बायरक्टर ने आर्मेनियन आर्मर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, वैसे वैसे लोगों को ये चीज समझ में आने लगी है कि जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं या किसी देश के पास में अच्छी एयरफोर्स है तो वहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन काफी ज्यादा कारगर नहीं रह जाते हैं। और ये चीज यूक्रेन में पूरी तरीके से प्रूव हो चुकी है। इंडियन आर्म फोर्सेस का फोकस लॉयटरिंग म्यूनिशन की तरफ जा रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सॉल्यूशन के लिए लो कॉस्ट सॉल्यूशन बनाए जाए, जैसे कि प्रोजेक्ट चीता, जहां पर एग्जिस्टिंग ISR ड्रोन्स को मॉडिफाई करके उनको आर्म ड्रोन्स बनाया जा रहा है। और ये सॉल्यूशन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होने वाली है। देखिए, रीपर कैटेगरी के ड्रोन्स काफी कॉस्टली ड्रोन्स होने वाले हैं और अगर अकिंजी रीपर से सस्ता है भी तो भी इनके कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ड्रोन्स को लेकर इनिशियली जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था लो कॉस्ट सॉल्यूशन जिनको डिस्पोज किया जा सके, क्योंकि इनमें पायलट नहीं होता है। इस वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर मारकर गिरा भी दिए जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रीपर कैटेगरी के ड्रोन्स के साथ में परेशानी ये है कि इनका कॉस्ट फाइटर जेट से ज्यादा है और ऐसे में अगर इन ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया जाता है तो आपको वहां पर सिग्निफिकेंट लॉस होता है। और आपको ये भी समझना जरूरी है कि इन ड्रोन्स के पास में अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। हालांकि टर्किश अकिंजी ड्रोन के पास में अपनी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होंगी, लेकिन ये सिस्टम्स फाइटर जेट्स के सामने बहुत ज्यादा कारगर नहीं होंगे। इसके अलावा इनको ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स से भी काफी आसानी से मारकर गिराया जा सकेगा। ओवरऑल अगर आप सभी चीजों को कंसिडर करते हैं तो घुमा फिराकर बात सीधे कॉस्ट पर आकर रुकती है। और अगर आप अकिंजी जैसे ड्रोन्स को या रीपर जैसे ड्रोन्स को बहुत ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल नहीं कर सकते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। और इसी चीज को कंसिडर करते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से अपने ऑप्शंस को वैलिडेट किया जा रहा है और मोस्ट लाइकली इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये चीज समझ ली है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की इफेक्टिवनेस लॉयटरिंग म्यूनिशंस के साथ में ऑपरेट करते हुए बढ़ती है। और इन ड्रोन्स को जितने ज्यादा नंबर में आप अपने बेड़े में शामिल कर सकते हैं उतने ज्यादा ये इफेक्टिव सॉल्यूशन बनते हैं। वैसे अगर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखें तो सी गार्डियन ड्रोन वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन है। और ये चीज देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन नेवी क्या अप्रोच यूज करती है इन ड्रोन्स को लेकर। वैसे इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में इंडिजिनस सॉल्यूशन भी अवेलेबल है और जैसा कि हम लोगों ने एरो इंडिया के दौरान देखा था कि तपस काफी शानदार ISR कैपेबिलिटी आज भी प्रोवाइड कर सकता है और ये सिस्टम अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके आर्म फोर्सेस में इंडक्शन के लिए तैयार है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।